ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते और शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते मराठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टीवी 91 पर। दोस्तों कल महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिला है जहां उद्धव ठाकरे सरकार गिरने पर आई थी और उनके 40 से ज्यादा एमएलए सूरत के एक होटल में रुके थे। यहां से भाजपा को ऐसा लगने लगा था कि भाजपा अब अपनी सरकार बना लेगा। इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो सीधा फ्लाइट पकड़कर दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंच चुके थे। कल पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से अलग होकर बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। कल 28 की संख्या बताई जा रही थी उनके शायद जो एमएलए है उनकी, लेकिन आज जो खबर आ रही है वो ये है कि उनके साथ तकरीबन 40 सदस्य हैं और वो सूरत से रात को रवाना होकर आसाम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। अब ये खबर तो आई तो जैसे ही गुवाहाटी पर पहुंचे उनसे मुलाकात की तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि वो बाला साहब के भक्त हैं और बाला साहब के हिंदुत्व के साथ हमेशा टिके रहेंगे। एएनआई डिजिटल ने एक ट्वीट करके भी बताया कि जो सदस्य हैं एकनाथ शिंदे उसके लीडर हैं और एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया है कि वो शिवसेना से अलग नहीं होंगे। अब ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है एएनआई डिजिटल ने डाला तो यहां से बीजेपी को एक जोरदार तमाचा लगा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लग रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ बैठ जाएंगे और यहां से बीजेपी की सरकार दौड़ने लगेगी, जिसकी वजह से वो जो हैं वो अमित शाह के पास चले गए और उनसे मंत्रणा भी करने लगे। अब बीजेपी के सभी को ऐसा लग रहा था जो नेता है उनको कि शायद महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाला कांड हो जाएगा और भाजपा जो है वो सरकार बना लेगी और इन इच्छाओं पर जोर से एकनाथ शिंदे ने एक तमाचा लगाया है और एकनाथ शिंदे ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि वो शिवसेना से जुड़े रहेंगे। हालांकि उनकी और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या तनाव है वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं और इन दोनों के तनाव की वजह क्या है वो भी साफ नहीं हो रही है। शिवसेना के दो नेता जो हैं वो सूरत में एकनाथ शिंदे और 40 सदस्यों से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। इन दोनों के बीच में लगातार 2 घंटे की जबरदस्त मीटिंग चली थी लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं निकला था। तब से ऐसा माना जा रहा था कि शायद यहां से एकनाथ शिंदे बीजेपी का रुख ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कल ऐसी घटनाएं सामने आती रही। सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे अनरीचेबल हो गए, उसके बाद उनके शायद सदस्य जो थे वो अनरीचेबल हो गए। पहले 11 सदस्य के नाम आए, उनके बाद बढ़ते बढ़ते दोपहर तक ये सदस्य की संख्या 29 हो गई और रात तक इस संख्या को 40 तक पहुंचा दिया गया। एकनाथ शिंदे और उनके 40 सदस्य जो हैं सूरत से रवाना हो गए और आसाम पहुंच गए, अब वहां रहने वाला है। फिलहाल तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो शिवसेना के साथ जुड़े रहेंगे। इसका मतलब यह है कि शिवसेना से वो अलग नहीं होने वाले हैं, तो इस शिवसेना से अलग नहीं होंगे तो ये सरकार भी जुड़ी रहेगी। तो यहां से भाजपा अपनी जो राजनीति कर रही थी, अपने जो मुख्यमंत्री बनाने अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वहां पर भाजपा को तमाचा लगा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस ये जो सरकार बनी हुई है यहां पर तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी क्योंकि पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा बीजेपी ने उनकी सरकार तोड़ दी। अब ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हाल कर सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे के जो बयान आए और इस बयान से बीजेपी को तमाचा लगा है। बीजेपी को जो सरकार बनाने की और मध्य प्रदेश वाला कांड करने की जो इच्छा थी महाराष्ट्र में वो नहीं हो पाया है। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और भी बड़ी अपडेट्स के लिए, साथ साथ ताजा खबरों के लिए। सब्सक्राइब करना फ्री है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।